नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश हिंदी बालगी तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गतिविधि लेके आया हूँ। बच्चे इससे क्या सीखते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बच्चों का ध्यान केंद्रित हो और एक जगह पर हो, हमारा लक्ष्य भी एक हो। अगर हम हमारा ध्यान को दो जगह रखेंगे तो नुकसान कैसे होगा ये मैं इस गतिविधि के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे एक व्यक्ति दो नावों में सवार हो जाता है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें एक नाव में सवार होना चाहिए। हमारा जो पढ़ाई का लक्ष्य है, हमें एक जगह लक्ष्य लगा के पढ़ाई करनी चाहिए। दोस्तों इस गतिविधि के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक छोटा बच्चा है, इसको दो गुब्बारे दिए जाते हैं और इनको हाथों से ऊपर करना है, पकड़ना किसी को है नहीं, और दोनों गुब्बारे हैं जो ऊपर उड़ते रहने चाहिए। नीचे गिर गया तो बच्चा गेम से आउट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमें लक्ष्य एक जगह रखना चाहिए। देखो कैसे, हाँ, आपको ये गुब्बारे ऊपर करने और उछालने हैं, ठीक है ना। दोनों गुब्बारे टिकने नहीं चाहिए। स्टार्ट। और ऊपर जाने दो थोड़ा, शाबाश, टिकना नहीं चाहिए भाई, बहुत अच्छा। ये देखो, ये गतिविधि के माध्यम से मैंने बताया, बच्चे ने एक को तो कवर कर लिया लेकिन दूसरे को कवर नहीं कर पाया। इस गतिविधि के माध्यम से अगर बच्चे हमारे पास बड़े होते हैं तो एक गोल घेरा बना सकते हैं, उसमें ये गतिविधि हम कर सकते हैं। अब हम लेते हैं दूसरे बच्चे को। ये दूसरा बच्चा लिया है यही गतिविधि करने के लिए। अब देखते हैं ये दोनों गुब्बारों को या अपने लक्ष्य जो दो जगह बन गया है उसको साध सकता है नहीं साध सकता, और साध सकता है तो कितनी देर तक साध सकता है। दोस्तों देखिए इस गतिविधि के माध्यम से, स्टार्ट। काफी देर तक संभाल लिया इसने, बहुत अच्छा, लेकिन ये बिल्कुल बर्बाद। ये बिल्कुल आप देख रहे हो, एक को पकड़ लिया है लेकिन दूसरे में ये आउट हो गया। तो दोस्तों इसी गतिविधि के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें हमारा लक्ष्य एक जगह रखना चाहिए। अगर हम हमारे लक्ष्य को या फिर हमारी जो मेन उद्देश्य है उसको अगर दो जगह लेकर चलेंगे तो हमें एक जगह असफलता हासिल हो सकती है। इसीलिए चाहे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हो या तैयारी करने वाले हो या देश के कोने कोने से कोई भी नौजवान हो, अपना लक्ष्य एक जगह रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।